सो हाय एवरीवन, वेलकम इन लर्न विद ज्ञान। और मैं ज्ञान आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ, मजाक मत लेना। एक छोटे बड़े भाई की तरफ से एक मतलब बताना चाहता हूँ कि जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं बेसिकली, और उनके 120 से अगर कम मार्क्स आए हैं जेई मेन्स में, आइदर वो EWS से हों या जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ OBC और SC ST वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ और जनरल जनरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जेई के अब कितने मार्क्स की जरूरत होती है और उसके हिसाब से क्या क्या कंडीशन लेनी चाहिए। मैं ना यहाँ पे आपको मोटिवेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ बच्चे मोटिवेशन की वीडियो देख देख के अपना पूरा समय व्यर्थ कर लेते हैं और मोटिवेशन से कुछ सीखते नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन सब काम नहीं आती। अगर खुद पे हौसला है, अगर खुद पे कुछ करना चाहते हो ना, तो खुद से कर लोगे, मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम खुद एक मोटिवेटिव इंसान बनोगे अगर तुम्हारी तुमने अगर मेहनत करी है पहले से। अगर तुमने मेहनत ही नहीं करी ना, तो मोटिवेशन वीडियो देख के घंटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं सिर्फ तुमसे बात करने जा रहा हूँ जो कि 100% सच है और क्या है जिससे तुम फंसो नहीं। ठीक है, और अभी अपने 120 मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं और तुम इंतजार कर रहे हो कि तुम्हें कुछ ना कुछ NIT मिल जाएगी, तुम अपना करियर बदार कर लोगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि कुछ अच्छे ऑप्शन को देखें, क्या अच्छे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, क्या हम इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्या हम 120 वाले जो बच्चे हैं वो 250 को फ्यूचर में आगे जाके पछाड़ सकते हैं। बिल्कुल पछाड़ सकते हैं। इन द लाइफ लाइफ के रेस में बहुत जो कम कम बच्चे हैं वो भी बहुत आगे कुछ कर लेते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब ठीक है, अब पहली बात, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ इतना, इसमें तुम कौन हो, मतलब मैं कुछ कैसा क्या हूँ जिसकी तुम मेरी बात तुम सुनोगे। पहली बात, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने जेई मेन और एडवांस दोनों क्वालिफाई करा है। ठीक है, जेई मेन में रैंक थी मेरी 30,000 और एडवांस में मेरी रैंक थी 13,000। तो तुम मेरी बात सुन सकते हो क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है और मैं जानता हूँ कि इस कंडीशन में क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा भी कम मार्क्स नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं बात करने जा रहा हूँ कि 120 से कम मार्क्स वाले बच्चे क्यों करें। क्योंकि जब मैंने 2016 में दिया था, तो उस समय क्या होते थे कि जब ज़्यादा मार्क्स भी आते थे तो उसमें कम रैंक आती थी। आजकल क्या है कि कट ऑफ नीचे चलती जा रही है, यानी बच्चों के जो सोशल मीडिया में लगाव है ना, उससे पढ़ाई धीरे धीरे थोड़ी नष्ट होती जा रही है, जिससे रैंक तुम्हें दिख रहा है घटता हुआ दिख रहा है, और जो कि पॉपुलेशन इतनी होती जा रही है फिर भी। ठीक है, तो चलो जिस मुद्दे की बात करने की मैंने वीडियो मोटी बनाई थी उसी पे बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को समझना थोड़ा समय लगेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन हर इंसान को ज़रूरत होती है, लेकिन मोटिवेशन से भी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ना, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम करना क्या चाहते हो यार। मोटिवेशन कोई दूसरा बंदा अगर मोटिवेट करके जाता है, पैसा कमाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो खुद अपनी लाइफ में आगे बनानी होगी। मोटिवेशन की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें सुनना है कि तुम्हें स्टेप्स क्या लेने हैं वो देखने हैं। पहली बात, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो ये अच्छा हो कि OBC SC ST इस बात को समझे। अगर OBC SC ST अगर उनके कम मार्क्स है, तो उसको अपने तरफ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन, क्या तुमने गलती करी है दोनों अटैम्प्ट में? तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो, खुद को पता होगा तुम्हें कितने कितने अच्छे स्टूडेंट्स हो, कि तुम तुक्का मार के आते हो या खुद सारा क्वेश्चन सही करके आते हो। तुम्हें खुद में पता होगा कि मैंने क्या गलती करी। अगर तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, यानी तुम तुक्का कम मारते हो, तुम बस एक्यूरेसी पे ध्यान देते हो, तो तुम जेई एडवांस के लिए बिल्कुल जाओ। ठीक है, अगर तुम तुक्का मारने वाले हो, ठीक है, या तुम्हें उतनी अच्छी कमांड नहीं है सब्जेक्ट पे, अगर फिर भी तुम्हारे पास विलिंगनेस है कि तुम ट्राई करना चाहते हो 2 महीनों के अंतर में और उसमें कुछ करना चाहते हो, तुम ट्राई जरूर कर सकते हो एक बार जेई एडवांस के पेपर में। ज़्यादा पैसे होते नहीं, 2,000 का कुछ फॉर्म होता है, उसमें जाके भर सकते हो, अपना लक देख सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके 100 मार्क्स होते हैं जेई मेन में और बेसिकली वो क्वालिफाई कर जाते हैं जेई एडवांस के लिए और उनको IIT भी मिल जाती है। तो ऐसे बच्चे चांबल्स हैं, लेकिन काफ़ी कम। ठीक है, तो अब बात करते हैं जेई एडवांस की। मैंने पहले बता दिया, अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स पे कमांड है, सिर्फ NCERT पढ़ के सोच रहे हो जेई एडवांस निकाल लूंगा, नॉट पॉसिबल। सिर्फ लोकल चीज़ पढ़ के सोच रहे हो कि निकाल लूंगा जेई एडवांस, नहीं, नॉट पॉसिबल। तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो हार्ड मटेरियल होती है ना, क्या करोगे, कड़वी सच्चाई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो हार्ड मटेरियल होता है उसको तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, खुद से समझ सकते हो मैंने जो बात कही है जेई एडवांस के लिए वाले, उस पॉइंट पे फोकस करना, क्या तुम उसके कैपेबल हो, कि तुम्हें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसमें अपना समय तुम उस हिसाब से अपना बर्बाद करो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें देना चाहिए, तो जाओ, बिल्कुल जाओ। नेक्स्ट थिंग, तुम्हारे 120 मार्क्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 120 मार्क्स पे तुम्हारी रैंक कम से कम 40,000 से नीचे नहीं आ रही, इतनी बात पक्की है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर 120 मार्क्स हैं, तुम सोच रहे हो कि 40,000 से नीचे आएंगी, इवन मुझे लगता है 60,000 तक पहुँच जाएगी 120 वालों की। तो ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अगर तुम्हारे 120 मार्क्स हैं, तुम स्टेट कॉलेज खोलो। जैसे अगर तुम दिल्ली से हो, तो दिल्ली में कुछ IPU कॉलेज है, जैसे IPU कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस है क्या, वहाँ पे उस चीज़ को देख सकते हो। जैसे और कोई कॉलेज हो गया, जैसे मान लो मध्य प्रदेश से हो या बिहार से हो, जैसे बिहार में तो ज़्यादा है नहीं, यूपी में हो, यूपी में UPTU है, ऐसे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टेट कॉलेज ढूंढने की
कोशिश करो। नेक्स्ट थिंग, स्टेट कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बोल देना अपने स्टेट का नाम भी। नेक्स्ट थिंग, ड्रॉप, क्या तुम्हारे पास पावर है सोशल मीडिया से दूर रहने की? सबसे पहला सवाल ये है, सोशल मीडिया से अगर दूर रह लोगे, सोशल मीडिया मतलब दूर रहना मतलब 2-3 घंटे सोशल मीडिया यूज कर लोगे एक दिन के, या 2 घंटे मिनिमम, इतना सॉरी मैक्सिमम 2 घंटे मैक्सिमम अगर तुम सोशल मीडिया यूज करते हो तुम कर सकते हो ड्रॉप। अगर सोशल मीडिया के तुम बहुत ज़्यादा आदी हो, फोन से तुम चिपके रहते हो, पबजी मोबाइल बहुत ज़्यादा खेलते हो, ड्रॉप मत करो क्योंकि फिर उससे ज़्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा, अपने आप को तुम्हें बनाना पड़ेगा उसी के लिए ताकि तुम उस लेवल पर ड्रॉप कर सको। ठीक है, ड्रॉप करना आसान नहीं होता, पहली बात बता दूँ, सभी के ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है ना। मैंने तुमसे थोड़े, मैं जिसके लिए बना रहा हूँ बेसिकली, मैं तो बेसिकली 149 मार्क्स है मेरे जेई मेन में, मेरी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो 120 से, तो अगर तुम ड्रॉप करके अच्छे कर सकते हो तुम कर सकते हो बेसिकली। तुम्हें एक विलिंगनेस चाहिए, तुम्हें एक डिटरमिन चाहिए अपने उसके प्रति, फ्यूचर के प्रति। ठीक है, कि तुमने ये करना है तो करना ही है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें सोशल मीडिया निकालना पड़ेगा, यूट्यूब की वीडियो कम देखनी पड़ेगी, मोटिवेशनल वीडियो को तो देखना ही बंद कर दो। ठीक है, मैंने तो बहुत बच्चे को ऐसा देखा है, मैं अपने दोस्त के लोगों को सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, बस भूल जाते हैं, उनका काम यही है। मतलब मोटिवेशनल वीडियो लगाना है, IIT बॉम्बे की चिपकानी है, लेकिन मिला नहीं। मैं अपने 12th के समय बात कर रहा हूँ, 12th के समय में मेरी बच्चे के क्लास के बच्चे क्या करते थे, IIT बॉम्बे की पिक्चर अपने स्टेटस पर लगाए रखते थे फेसबुक पे, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, मिला क्या? कुछ नहीं। झुंझुनवाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, तो इसलिए तुम समझो कि पहले तुम्हें एक डिटरमिन होना पड़ेगा अपने फ्यूचर के प्रति कि ड्रॉप करती है। अगर नहीं हो रहे हो तो तुम स्टेट कॉलेज ट्राई करो या प्राइवेट कॉलेज ट्राई कर लो अभी से ही। ठीक है, मैं तुम्हें कंडीशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, गुड प्राइवेट कॉलेज, जो कि मैंने बहुत, मुझे एज्यूम करता हूँ कि अगर तुम अपने अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो बहुत लोग तो पता ही होगा VIT SRM के बारे में, तो अगर इसमें से कुछ कंप्यूटर साइंस मिल जा रही है तो तुम ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉट इफ कुछ नहीं मिल रहा? तो देखो, कुछ भी नहीं मिल रहा और प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम्हारी एडमिशन हो जाती है किसी तरह से भी, तो तुम सेलेक्ट करो कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस कहीं से ही पढ़ा जा सकता है। तुमने अगर कोई भी बेकार कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया तो तुम वहाँ से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई इंटरनेट से ज़्यादा होती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज से। ठीक है, उसमें एल्गोरिथम की जरूरत होती है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसमें DBMS की जरूरत होती है, ये सब टर्म तुम्हें समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ज़्यादा अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ कॉलेज या प्रोफेसर के पास। अगर तुम्हें जैसे कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, कॉलेज में बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब ज़्यादा पढ़ाई जाती है। IIT बॉम्बे जाने की कोई मतलब ही नहीं उतना, तो बच्चे अगर उतने बच्चे टैलेंटेड हैं जो AU बन रहे हैं, अपने घर से भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और गूगल भी कुछ दिनों बाद डिग्री को मान्यता रद्द कर देने वाली है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में जाना भी है तो डिमांड करो कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिले, ताकि तुम अपना जाके आगे जाके फ्यूचर सिक्योर कर सको। ये कुछ बात थी मुझे मुझे करनी थी, तुम्हें पसंद आती है या नहीं आती है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मुझे लगता है आनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें वे बताया है, और जो अनलाइक ऑफ, मैं यूट्यूब ज़्यादा देखता नहीं, लेकिन मैंने एक दो वीडियो देखी है जिसमें वो मोटिवेट करते रहते हैं कि बस कम मार्क्स भी हैं फिर भी NIT मिल जाएगी, IIT मिल जाएगी, एक दो तो वीडियो मैंने भी डाली है, लेकिन कुछ जो सच्चाई है वो है, लक से मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 में मिल जाएगी कुछ कट अप राउंड में, लेकिन फिर भी जो मासेस ऑफ जो ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी, कोई पॉइंट अगर मिस कर रहा हूँ तो मैं बाद जाकर जरूर कवर कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारा मन है तो। ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।